Uh, hello, students. Welcome to another class of environmental engineering. Uh, we were discussing population forecasting methods uh, in the previous video. We have already discussed three uh, type of population forecasting method, uh, namely arithmetic increase method, geometric increase method, and uh, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मैथड नाव वी आर गोइंग टू डिस्कसअर मैथड विच इज कॉल्डिंग रेट ऑफ ग्रोथ मैथड सो वॉट इज रेट ऑफ ग्रोथ मैथ यू कैन रीड हर इट इज ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द लाइफ फॉलोज ए सर्टन लिमिट एक लिमिट तक जो है वो लाइफ जो है वो ग्रो करती है किसी जगह की पॉपुलेशन जो है किसी लोकेलिटी की पॉपुलेशन एक लिमिट तक जो है वो ग्रो करती है उसके बाद वो सेचुरेट कर जाती है तो इट मे हैपन दट द अर्ली ग्रोथ में बी एट ए इंक्रीजिंग रेट एंड द लेटर ग्रोथ में बी एट अ डिक्रीजिंग रेट फॉर एग्जाम्पल के ऐसा हो सकता है कि किसी जगह पर पॉपुलेशन हज़ार थी और हजार से जो है वो इंक्रीज होकर तीन हजार हो गई तीन हजार से इंक्रीज होकर साढ़े साड़, चार हजार हो गई साढ़े चार हजार से इंक्रीज होकर आपका सत्तावन सौ हो गई तो अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है लेकिन द परसेंटेज बाय विच द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग दैट परसेंटेज इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ठीक है तो ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियली जो है ये परसेंटेज जो है वो ग्रो कर रहा हो जितना उतना जो है आने वाले डिकेट्स में फ्यूचर डिकेट्स में ग्रो नहीं करे तो उस चीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इन दिस मेथड द एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज यानी कितना परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है कितना पे इनक्रीज के ऊपर यानी कि पॉपुलेशन जो है मान लीजिए पहले दो डिकेट पहले से डिकेट से दूसरे डिकेट के बीच में 40 परसेंट बढ़ी ठीक है दूसरे डिकेट से आ, से तीसरे डिकेट पे 25 बढ़ी तो पॉपुलेशन ऑल्सो इज इंक्रीजिंग बाई ए पॉजिटिव परसेंटेज लेकिन वो परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हो रहा है ठीक है तो जब 40 थी पॉपुलेशन 40 परसेंट बढ़ी थी और जब 35 परसेंट बढ़ी तो 5 परसेंट का डिक्रीज आ गया जब पॉपुलेशन 35 के बाद अगली जो है 28 परसेंट बढ़ी तो 7 परसेंट का डिक्रीज आ गया तो ये है डिक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन यानी कि जिस परसेंटेज से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है उस परसेंटेज में कितनी गिरावट आ रही है ये मेथड जो है आपका उसके ऊपर बेस्ड है तो हम उसका जो है उस डिक्रीज का जो है वो एवरेज ले लेते हैं और एवरेज ले लेने के बाद उसको सक्सेसिव डिकेड की पॉपुलेशन के परसेंटेज में से उसको जो है वो डिडक्ट करने के बाद हम पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं ठीक है आ, अभी थोड़ा सा जो है इसमें आप लोगों को डाउट लग रहा होगा क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा आ, है इजी मेथड लेकिन इट इज लिटिल कंफ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड ठीक है तो हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे प्रॉब्लम में हम क्या देख रहे हैं कि कि पूछा गया है कैलकुलेट द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट थ्री डिकेट नेक्स्ट थ्री डिकेट में जो है पॉपुलेशन का जो है आपको डिक्रीज निकालना है ठीक है तो किससे निकालना है डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड से तो पॉपुलेशन आपको दे रखी 1930 में पॉपुलेशन 9000 थी 1940 में पॉपुलेशन 13000 हो गई 1950 में पॉपुलेशन 17500 हो गई और 1960 में पॉपुलेशन 23000 हो गई तो हमें एक टेबल बना लेना है इस फॉर्म में यर्स पॉपुलेशन इंक्रीज इन पॉपुलेशन इतना तो जो है आप लगातार कर ही रहे हैं ठीक है अब इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में आपने क्या करा था कि इंक्रीमेंट जो चौथा कॉलम बना था वो था कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना इंक्रीमेंट इंक्रीज के ऊपर कितना इंक्रीज हो गया है ठीक है अब आपने क्या कर रहा है यहां पर चौथे कॉलम में परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना है और उस परसेंटेज के बाद नेक्स्ट कॉलम में डिक्रीज इन द परसेंटेज इंक्रीज ठीक है तो पॉपुलेशन पौ तो इंक्रीज हो रही है लेकिन कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है वो निकालना है और उसके बाद बताना है कि उस इंक्रीज होने के परसेंटेज में कितनी गिरावट आ रही है ठीक है चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर हमें लिख लेना है नाइनटीन थर्टी ठीक है इनटीन फोर्टी नाइनटीन फिफ्टी और नाइनटीन सिक्सटी ठीक है इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना है हमको 1930 थर्टी में पॉपुलेशन थी नौ हजार ठीक है 1940 फोर्टी में पॉपुलेशन हो गई तेरह हजार फिफ्टी में पॉपुलेशन हो गई सत्रह हजार सौ ठीक है और 1960 सिक्सटी में तेईस हजार पॉपुलेशन हो गई ठीक है क्लियर ये चीज उसके बाद क्या कर रहे हैं अब हमको निकालना है इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो ये 1930 में तो कुछ लिखेंगे नहीं इसके आगे क्यों क्योंकि यहां पे तो कोई इंक्रीज नहीं है क्योंकि ट्वेंटी की पता नहीं है हमको थर्टी से फोर्टी आने में कितनी तेरह हजार माइनस नौ हजार इज फोर थाउजेंड इंक्रीज हो गई थर्टी और फोर्टी के बीच में वैसे ही फोर्टी और फिफ्टी के बीच में सत्रह पांच सौ माइनस तेरह हजार इज फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये आपकी इंक्रीज हो गई 40 और 50 के बीच में सिमिलरली 50 और 60 के बीच में कितनी पॉपुलेशन सत्रह पांच से तेईस हजार हो गई तो तेईस हजार माइनस सत्रह पांच सौ इज 50 फिफ्टी फाइव हंड्रेड ये आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई अब आपको परसेंटेज फाइंड करनी है तो परसेंटेज अगर आपको फाइंड करनी है तो फोर था से फोर्टी पे जो है फोर की इंक्रीज हुई इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी थर्टी में नाइन थी तो वी कैन राइट फोर डिवाइडेड by नाइन थाउजेंड 100. हंड्रेड ठीक है दैट इज फोर्टी फोर पॉइंट फोर परसेंट ठीक है यानी कि थर्टी से फोर्टी में फोर्टी फोर पॉइंट फोर परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हुई नाउ अगेन फोर्टी से फिफ्टी के बीच में इंक्रीज हुई है फोर्टी ठीक है और फोर्टी की पॉपुलेशन कितनी थी तेरह हजार थी यानी कि ये जो साढ़े चार हजार का इंक्रीज आया है वो किस पॉपुलेशन के ऊपर आया तेरह हजार पर आया तो तेरह हजार इंटू हंड्रेड तो दिस विल गिव यू अ, थर्टी फोर पॉइंट सिक्स परसेंटेज ठीक है उसके बाद नेक्स्ट इंक्रीज आया है कितने का पचपन सौ का आया है और ये पचपन सौ का इंक्रीज किस पर आया है सत्रह पांच सौ पर आया है ठीक है तो सत्रह पांच सौ इंटू हंड्रेड this will give you 31.4 now you can see that the population is continuously increasing but the rate at which the percentage rate at which the population is increase increasing has been reducing throughout yani ki population तो 9000 से 13, 13 से 17, 17 से 23 हो रही है ठीक है 4000 का इंक्रीज आया साढ़े चार का आया साढ़े पांच का आया लेकिन 30 से चालीस के बीच में फोर्टी फोर पॉइंट फोर परसेंट बढ़ गई थी पॉपुलेशन लेकिन वहीं पर आपका फोर्टी से फिफ्टी के बीच में पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ थर्टी फोर पॉइंट सिक्स परसेंट बढ़ी किस पॉपुलेशन के उस पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन फोर्टी में हो गई थी ठीक है सिमिलरली फर्दर हम गए तो थर्टी वन पॉइंट फोर परसेंट बढ़ी यानी कि वी कैन सी दैट देर इज डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज ठीक है जितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है उससे उसमें डिक्रीज आ रहा है और वो डिक्रीज कितना आ रहा है हम यहाँ लिख सकते हैं यहां तो कुछ है नहीं यहां लिख सकते हैं फोर्टी फोर पॉइंट फोर माइनस थर्टी फोर पॉइंट सिक्स दैट इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट परसेंट का डिक्रीज आ गया सबसे पहली बार ठीक है देन थर्टी फोर पॉइंट सिक्स माइनस थर्टी वन पॉइंट फोर दिस विल गिव यू थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट टू परसेंटेज का डिक्रीज आ गया इन द 1960 ठीक है तो अब हमारे पास जो है डिक्रीज आ गया है अब इस डिक्रीज को हम क्या करेंगे एवरेज डिक्रीज इसका निकाल देंगे तो एवरेज डिक्रीज कितना हो जाएगा हमारा एवरेज डिक्रीज वुड बी इक्वल टू यानी ऑन एन एवरेज इज डिक्रीज ऑफ़ ऑफ़ इन द द परसेंटेज पॉपुलेशन ठीक है यू आर गेटिंग मी अब सिक्सटी तक की आपको पॉपुलेशन दे रखी थी अब आपको क्या निकालना है 1970, 80 और 90 की पॉपुलेशन निकालनी है ठीक है तो नेट परसेंटेज कितना इंक्रीज हो रहा है नेट परसेंटेज पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होगी पॉपुलेशन इंक्रीज तो होती रहेगी लेकिन ये जो 6.5 है ना ये डिडक्ट हो जाएगा ठीक है तो इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन 1960 के बाद 1970 1980 एंड 1990 नाइनटी वी विल फाइंड आउट दिस तो 1960 में जो है आपकी पॉपुलेशन जो है उसमें परसेंटेज इंक्रीज कितना आया था आया था आपका थर्टी वन पॉइंट फोर परसेंट तो थर्टी वन पॉइंट फोर माइनस सिक्स पॉइंट फाइव दिस विल गिव यू ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन परसेंट नाउ ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन परसेंट इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन इन सेवेंटी टू एट्टी ठीक है तो अभी यहाँ पे सिक्सटी टू सेवेंटी ठीक है तो सेवेंटी टू एट्टी में क्या होगा 24.9 माइनस अगेन 6.5 का एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज दिस विल गिव यू 18.4 परसेंट ठीक है अगेन इन नाइनटीन नाइनटी माइनस सिक्स दिस विल गिव यू 11.9 परसेंट ठीक है तो ये परसेंटेज इंक्रीज जो है आपको पता चल गया कि कितना परसेंट पॉपुलेशन जो है पिछली पॉपुलेशन से इंक्रीज हो रहा है नाउ यू हैव सीन दिस कि आपकी जो पॉपुलेशन 1960 में थी वो कितनी थी तेईस हजार थी ठीक है और तेईस हजार पे कितना परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है 1970 में आपका 24.9 परसेंट का आ रहा है ठीक है तो हम क्या करेंगे इन 1970 पॉपुलेशन इन 1970 क्या हो जाएगी तेईस हजार तो कहीं नहीं गया तेईस हजार का तेईस हजार प्लस ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन परसेंटेज ऑफ ट्वेंटी थ्री थाउजेंड तो ये क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन डिवाइडेड बाई हंड्रेड इंटू ट्वेंटी थ्री थाउजेंड ठीक है तो दिस विल गिव यू ट्वेंटी एट थाउजेंड सेवन ट्वेंटी सेवन ना नेक्स्ट इंक्रीज Of would be on this population. है? तो पॉपुलेशन इन नाइन एटी वुड बी आपकी कितनी थी ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन थी प्लस एटीन पॉइंट फोर अपॉन हंड्रेड इन टू अब क्या होगा ट्वेंटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन विच विल गिव यू

प्लस कितना परसेंटेज का इंक्रीज हो रहा है 1990 में रह गया खाली तो दिस इज योर फाइनल पॉपुलेशन इन नाइनटीन नाइनटीज एंड ऑन ठीक है तो so so, ये मेथड जो है आपका वो डिक्रीज निकलता है ऑन द परसेंटेज इंक्रीज ठीक है दिस इज दिस थैंक यू सो मच और इसके नोट्स में भेज दूंगा और प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड शेयर इट टू अदर्स थैंक यू